नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सिंह कास्ट इंडिया के इस चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी हाल ही में हमने पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से मेरे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ट्रीटमेंट के 2 साल पूरा होने पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें 2 वर्षों में वहाँ के ट्रीटमेंट के फायदे और अपने अनुभव को मैंने शेयर किया है, जिसके बाद आप में से कई फ्रेंड्स ने कमेंट और दूसरे माध्यमों से मुझसे मेरी डाइट के संबंध में पूछा था और इस विषय पर अलग से एक वीडियो पोस्ट करने का भी अनुरोध किया था। यह वीडियो मैं आप सभी व्यूअर्स के लिए विशेष तौर पर तैयार कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले उन सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगा जो हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ दूसरे हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए, मैं जिस डाइट को इन दिनों फॉलो करता हूँ उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने 7x7 के फॉर्मूले को अप्लाई किया है। 7x7 का मतलब है 7 दिन और 7 बार। मेरी डाइट सुबह 6:30 बजे से शुरू होती है और रात 9:30 बजे खत्म होती है। वैसे तो मैं मजबूती से इसे फॉलो करता हूँ, लेकिन कई बार किसी कारण वजहों से इसमें अंतर आ भी जाता है, तो अगले दिन मैं इसे फिर से ठीक कर लेता हूँ। मेरी डाइट में ज़्यादातर फूड या ड्रिंक एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज वाले होते हैं, जो मुझे जोड़ों में होने वाले सूजन, मांसपेशियों में होने वाली स्टिफनेस को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं और मेरे गट्स को भी हेल्दी रखते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको अपने डाइट में शामिल कॉमन फूड्स या ड्रिंक के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आपको बता दूँ, अगर आप मेरी फुल 7x7 डाइट चार्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद 7 बजे तक सबसे पहले बिना चीनी वाले चाय या फिर बिना दूध और चीनी वाली कॉफ़ी लेता हूँ। चीनी सूजन बढ़ाती है, इसलिए चाय में चीनी नहीं लेता। कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, इसका फ़ायदा तभी होता है जब आप इसे बिना दूध और चीनी के लें। यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि जिन्हें बहुत अधिक गैस की समस्या हो, वह यह चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इससे आपकी समस्या बढ़ सकती है। इससे करीब 30 मिनट के बाद एक प्लेट सलाद, जिसमें अंकुरित अनाज, पत्तेदार सब्जियाँ और कुछ फल या नारियल पानी लेता हूँ। 7 दिन में कभी नारियल पानी की जगह व्हीट ग्रास जूस, फलों और सब्जियों का ग्रीन जूस, सीजनल फल, सब्जियां वगैरह चेंज कर करके लेता रहता हूँ। सुबह 8 से 9 बजे के बीच मैं नाश्ता करता हूँ, जिसमें स्प्राउट्स के साथ मिक्स वेज पोहा, एक सेब और एक डबल टोंड दूध लेता हूँ। 7 दिनों में इसमें कई तरह के बदलाव भी करता हूँ, जैसे कभी पोहा की जगह दलिया ले लिया तो कभी शुद्ध देसी घी में बना हुआ मिक्स वेज पराठा ले लेता हूँ। इसके बाद सुबह 11 बजे से लेकर 11:30 के बीच गर्मी के मौसम में 1 गिलास छाछ लेता हूँ। इसके अलावा कई बार छाछ में अलसी, कद्दू का भुना हुआ बीज या सूखे मेवे लेता हूँ। घर के पास ही ऑफिस होने की वजह से मुझे डेली रूटीन मेंटेन करने में बड़ी मदद मिलती है और इसी समय मैं लंच लेकर ऑफिस आ जाता हूँ। दोपहर का भोजन मैं 1 से 2 बजे के बीच कर लेता हूँ, जिसमें ब्राउन राइस या मल्टीग्रेन आटे से बनी चपाती, बेहद कम मसाले में बनी सब्जियाँ या हल्दी, नमक और हींग वाली कोई एक हरी सब्जी लेता हूँ। इसके साथ प्याज, गाजर या प्याज टमाटर का रायता शामिल होता है। दोपहर के खाने के बाद शाम 4 से 6 बजे के बीच नाश्ता भी करता हूँ, जिसमें ग्रीन टी के साथ अलग अलग दिन के मुताबिक कभी बिना नमक वाला मखाना, कभी भुना हुआ चना या एक कप स्प्राउट सलाद के रूप में ले लेता हूँ। दोस्तों, मैं रात का खाना 8 से 9 बजे तक खा लेता हूँ। वैसे कायदे से मुझे और पहले रात का भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन नौकरी के साथ ऐसा कर पाना संभव नहीं हो पाता है और दोपहर में लाया हुआ खाना रात को नहीं खा सकते। रात को खाने में मैं अलग अलग दिनों के हिसाब से मल्टीग्रेन रोटी के साथ कम मसाले वाली सीजनल मिक्स वेज सब्जी या ब्रोकली, गाजर या बीन्स की सब्जी लेता हूँ। इसके अलावा कई बार चुकंदर की सब्जी, मेथी दाल या गोभी की सब्जी लेता हूँ। रात को सोने से पहले हल्दी और अदरक मिला कर एक कप गुनगुना मल्टीटोंड दूध जरूर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरी डाइट और जिसमें यूज होने वाले कॉमन फूड्स और ड्रिंक्स मैंने आपको बताया है। अगर पूरी डाइट चार्ट एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग कमेंट करके डाइट चार्ट के लिए लिखें। अगर ज़्यादातर लोग 7x7 डाइट चार्ट के लिए लिखते हैं तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ
से आप इस डाइट चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में उपवास का भी महत्व बताया था, इसलिए रविवार का दिन मेरा उपवास का दिन होता है। इस दिन मैं ज़्यादातर लिक्विड डाइट ही लेता हूँ, जिसमें नारियल पानी, सूप और फलों का जूस शामिल रहता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि एएस को मैनेज करने में यह वीडियो आपके काम आएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।